डियर स्टूडेंट, मैं प्रेमाराम चौधरी, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम सेकंड ईयर के सब्जेक्ट ME 208 थर्मोडायनेमिक एंड आईसी इंजन के टॉपिक एयर कंप्रेशर की स्टडी करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेशर एंड यूजेज ऑफ कंप्रेस्ड एयर पढ़ेंगे। कंप्रेशर वह डिवाइस हैं जिसके द्वारा हम कंप्रेस्ड एयर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका फर्दर इंडस्ट्री और बहुत सारे उसके एप्लीकेशन हैं जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कंप्रेसर्स को मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर एंड सेकंड है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। फर्स्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर वे कंप्रेसर हैं जिसके अंदर हम सॉलिड बाउंड्री के मूवमेंट से प्रेशर राइज करते हैं, जिसके अंदर कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर का सक्शन होगा जिसमें सॉलिड बाउंड्री जो है वो मूव करेगी और हमें वॉल्यूम के चेंजेस के द्वारा हाई प्रेशर कंप्रेस्ड एयर प्राप्त होगी। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर वे कंप्रेसर हैं जिसके अंदर सॉलिड बाउंड्री के मूवमेंट से नहीं बल्कि वॉल्यूम चेंजेस के द्वारा और डायनेमिक एक्शन कंटिन्यूस फ्लूड के या एयर के फ्लो के द्वारा, स्टडी फ्लो के द्वारा हम हाई प्रेशर एयर प्राप्त करते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर को फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और सेकेंड है रोटरी कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हम जानते हैं जिसके अंदर एक सिलेंडर होगा और एक पिस्टन होगा जिसमें मूवमेंट के द्वारा हम हाई प्रेशर प्राप्त करेंगे। सेकंड है रोटरी जिसमें अंदर हम घूर्णन क्रिया के द्वारा हाई प्रेशर एयर प्राप्त करेंगे। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है, सेंट्रीफ्यूगल और रेडियल फ्लो और सेकेंड है एक्सियल फ्लो। सेंट्रीफ्यूगल और रेडियल फ्लो में जो फ्लूड एयर है वो सेंटर से रेडियस की तरफ आउटवर्ड मूव करेगी और एक्सियल फ्लो के अंदर शाफ्ट की एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगी। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रोटरी कंप्रेसर को फर्दर फोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रूट्स ब्लोवर जिसके अंदर दो लोब्स होगी जो मूवमेंट करते हुए जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होगी, जिसमें हम उनके मूवमेंट से हाई प्रेशर जो एयर प्राप्त करेंगे। सेकंड स्क्रू टाइप जिसके अंदर एक हेलिक्स स्क्रू के फॉर्म में शाफ्ट होगी जिसके द्वारा हम हाई कंप्रेस्ड एयर प्राप्त करेंगे। वेन टाइप में डिफरेंट वेन होगी जिनके एक्सिस मूवमेंट के द्वारा और कन्वर्जिंग सेक्शन के द्वारा हम हाई प्रेशर एयर प्राप्त करेंगे। और लाइसम जो कि एक स्क्रू टाइप में है लेकिन इसके अंदर जो लूप्स बनी हुई है, जो फिन्स बनी हुई है, वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगी। फर्स्ट जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर वे वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर हमें हाई प्रेशर और लो डिस्चार्ज कम डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, जबकि नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ हमें हाई फ्लो रेट एयर क्वांटिटी चाहिए लेकिन प्रेशर कम होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके स्केमेटिक डायग्राम है डिफरेंट टाइप्स के कंप्रेसर्स की। फर्स्ट जिसमें दे रखा है जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप एयर कंप्रेसर है जिसके अंदर एक पिस्टन, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट लगी हुई हैं। यहाँ पर इनलेट वाल्व है इसके अंदर जहाँ से एयर सक होगी। फर्स्ट जो है इस डायग्राम में एयर का सक्शन दिखाया गया है जब पिस्टन नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है और एयर सक होगी। फर्दर नेक्स्ट स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और एयर कंप्रेस होगी और हाई कंप्रेस्ड एयर डिलीवरी वाल्व के थ्रू हमें बाहर मिलेगी। नेक्स्ट डायग्राम जो दे रखा है वो वेन टाइप जो एयर कंप्रेसर है उसका दिया हुआ है। ये एक रोटरी टाइप का कंप्रेसर है
जिसके अंदर आपने वेन बनी हुई है डिफरेंट, और कन्वर्जिंग सेक्शन है। यहाँ से जो एयर सक होगी, यहाँ से एयर सक होगी और उसके बाद में ये जब रोटेट करेगा तो कन्वर्जिंग जो एरिया है उसके अंदर हाई प्रेशर पे हमें एयर डिलीवरी वाल्व यहाँ से प्राप्त होगी। इनमें जो वेन लगी हुई है वह उनकी मोशन टू एंड फ्रो आगे पीछे इस तरीके से मूव हो सकती है। जब ये यहाँ पे आएगी तब कंप्रेस होके पूरी अंदर चली जाएगी वेन, और यहाँ पर ये बाहर निकल जाएगी। और जो एरिया है इन दोनों वेन के बीच में, यहाँ पर जो एयर है वो कंप्रेस होती हुई जब यहाँ पे आएगी तब डिलीवरी वाल्व के द्वारा बाहर निकलेगी, डिस्चार्ज होगी। ये जो दे रखा है वो है रूट ब्लोअर टाइप कंप्रेसर, जिसके अंदर दो लोब्स बने हुए हैं, वन एंड टू, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। यहाँ से एयर इनलेट होगी और यहाँ से आउटलेट, और इस तरीके से रिवॉल्व होते हुए यहाँ से कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर आएगी। नेक्स्ट जब ये वापस 90 डिग्री पे आएगा तब ये एयर यहाँ से आउट, नेक्स्ट टाइम इस वाले लोब से, इस तरीके से बैक फ्लो के द्वारा हाई प्रेशर एयर हमें मिलेगी। ये जो दो डायग्राम दे रखे हैं, लाइसम जो है कंप्रेसर का है, जिसके अंदर जो हेलिक्स हेलिकल फॉर्म में जो दे रखी हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लोब्स बनी हुई होगी या प्रोजेक्टेड पोर्शन होंगे, जबकि स्क्रू टाइप वाले कन्वेयर में हेलिक्स फॉर्म में इस तरीके से स्क्रू के फॉर्म में ये लोब्स बनी हुई होगी, जिनके अंदर यहाँ पे एयर इनलेट होगी और यहाँ पर आउटलेट। दो जो हेलिक्स है उनके बीच में जो एयर है कंप्रेस वो आगे की तरफ मूव होगी और बैक फ्लो के द्वारा हमें हाई प्रेशर एयर प्राप्त होगी। नेक्स्ट जो है वो डायनेमिक टाइप के नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, जिसके अंदर है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, जिसके अंदर रोटर के ऊपर एक छोड़ के एक जो दे रखी हैं वो मूवमेंट जो है रोटर के साथ मूव होगी और मूविंग ब्लेड्स हैं, और ऊपर की तरफ जो दे रखी हैं एक छोड़ के एक वो फिक्स ब्लेड है, और जो एयर मूव करेगी वो एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगी और हमें हाई प्रेशर एयर मिलेगी। जबकि जबकि सेंट्रीफ्यूगल जो कंप्रेसर हैं उसके अंदर हमें एयर जो मूव करेगी वो आई हब पर इनलेट होगी और रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड मूव करेगी, और बाहर की तरफ वॉल्यूट केसिंग होगी जिसमें डाइवर्जिंग सेक्शन होगा, और वेलोसिटी एनर्जी कम करके हम हाई प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। इनकी डिटेल में स्टडी और नेक्स्ट क्लासेज में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कंप्रेस्ड एयर, जिसमें फर्स्ट है रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम जब एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल हम यूज़ करेंगे तो एयर को कंप्रेस करके फिर कंडेंसर में ठंडा करके और थ्रॉटलिंग प्रोसेस के द्वारा सडन ठंडा करेंगे और हम कूलिंग इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पर हमें कंप्रेस्ड एयर यूज़ आएगी। सेकेंड है ऑपरेशन टूल्स लाइक ड्रिल हैमर, तो ड्रिल हैमर के अंदर ड्रिल के मूवमेंट के लिए हम कंप्रेस्ड एयर यूज़ करेंगे। थर्ड है फिलिंग द एयर इन द ऑटोमोबाइल टायर्स, तो ऑटोमोबाइल टायर के अंदर हम हवा भरते हैं वहाँ पे कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रे पेंटिंग, तो जब स्प्रे को जो फोर्स के द्वारा किसी भी दीवार पर या किसी धातु पर स्प्रे किया जाता है तो वहाँ पर हम स्प्रे करने के लिए कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इनलेट प्रेशर ऑफ आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर इनलेट पर हाई कंप्रेस्ड एयर की आवश्यकता होती है ताकि हमें ज़्यादा से अच्छी बर्निंग या कंबशन अच्छा प्रॉपर हो सके, वहाँ हम कंप्रेस्ड एयर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू ऑपरेट एयर मोटर इन द माइंस वेयर द फायर रिस्क आर मोर, तो माइंस के अंदर जहाँ पर फायर रिस्क ज़्यादा हैं वहाँ पर जो मोटर्स मूवमेंट करेंगे वो कंप्रेस्ड एयर के द्वारा हम उनको मूवमेंट करेंगे। पंपिंग वाटर, वाटर को पंप करने के लिए हाई उसका प्रेशर राइज करने के लिए। नेक्स्ट है गैस टर्बाइन प्लांट, तो गैस टर्बाइन प्लांट के अंदर पावर जनरेशन होगा तो एयर का जो टेम्परेचर राइज करेंगे हम, क्लोज यदि क्लोज साइकिल है गैस पावर साइकिल या ओपन गैस पावर साइकिल है तो हम
एयर का प्रेशर राइज करके कंप्रेस्ड एयर को बर्न करके उसकी एनर्जी को यूज़ करते हैं टर्बाइन को रन कराने के लिए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कन्वेइंग द मटेरियल लाइक सैंड और कंक्रीट अलोंग अ पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के अंदर स्लरी जो मटेरियल है, सैंड है या RCC के अंदर कंक्रीट का मिक्सचर है, उसकी मूवमेंट के लिए हम कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सैंड ब्लास्टिंग। तो सैंड को किसी भी धातु के ऊपर से रस्टिंग हटानी है, कोई ऑपरेशन करना है उसकी सरफेस फिनिश के बारे में, तो सैंड को जो ब्लास्ट किया जाता है उसके लिए हम हाई प्रेशराइज एयर यूज़ करते हैं, जो कि फोर्स से सैंड को उस धातु के ऊपर फोर्स से फेंकती है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कंप्रेस्ड एयर उसके ऑपरेशन में कंबशन में हम यूज़ करते हैं। और लास्ट जो है वो है बसेज और ट्रक जो हैं उनके अंदर जो ब्रेक लगाते हैं उसके शूज़ की मूवमेंट के लिए, कैम के मूवमेंट के लिए हम कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है और ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं, तो वहाँ भी कंप्रेस्ड एयर यूज आती हैं। इस तरीके से ये सारे कंप्रेस्ड एयर के जो हैं यूजेज मैंने आपको बताएं।